नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। रू अफजा हम घर पर अगर बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी से बनकर के तैयार होता है। बहुत सरल विधि है ये और बाजार से सस्ता भी पड़ता है। और मैं जिस तरीके से आज आपको बताऊंगी इसमें साल भर तक आपके इस रू अफजा को कुछ भी खराब नहीं होगा। और अब जब चाहे जब आप इसको बना सकते हैं, तो आइए झटपट से ये पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ घर पर हम रू अफजा बनाना सीखें। रू अफजा बनाने के लिए एक भगोनी में हम 500 ग्राम और कप से नापेंगे तो 2.5 कप हमने चीनी ले लिए। चीनी के बराबर ही हम पानी लेंगे, यानी 500 ml पानी ले लेंगे। इसको डालेंगे इसमें। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसको हम घुलने देंगे। इसको चला लेते हैं ताकि शक्कर जो है नीचे चिपकेगी नहीं, तो इसको इस तरीके से चलाना जरूरी है। इसमें इसी टाइम हम 9 से 10 इलायची ले ली, इसे हमने कूट लिया है तो छिलके सहित हम इसको डाल रहे हैं। और इसमें कलर भी इसी टाइम डाल देंगे, तो रेड कलर आप चाहे तो पाउडर वाला ले, चाहे लिक्विड। मैं लिक्विड वाला ले रही हूँ, तो बिल्कुल हल्का सा डालूंगी मैं इसमें, जितना डार्क कलर आपको करना है, ताकि कलर जो है ये भी अच्छे से पकता है तो शरबत हमारा ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहता है। तो थोड़ा और डालूंगी मैं। हम थोड़ा कलर डार्क ही रखेंगे ताकि हम इसको दूध या पानी के साथ जब बनाते हैं तो इसका शेड जो है लाइट ना हो। तो ये आज की रेसिपी की ट्रिक या टिप्स हो गई कि आप इस तरीके से घर पर जो शरबत बना रहे हैं उसका डार्क कलर रखेंगे, ताकि जब भी हम इसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो इसका शेड जो है एकदम से लाइट ना हो। तो इसको हम उबलने देते हैं और आंच इस टाइम हम धीमी कर देंगे। धीमी आंच पर हम इसको उबाल आने के बाद 10 मिनट तक हम इसको और उबलने देंगे। तो इस तरीके से लगातार थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे और धीमी आंच पर 10 मिनट इसको उबलने देते हैं। 10 मिनट तक हमें कम आंच पर उबालना है और 10 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो हाथों में ये शहद जैसी चिपचिपी सी लगेगी। इतना गाढ़ा हमें इसको करना है, क्योंकि अगर हम ज्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर जब हम शरबत को बॉटल में भरते हैं तो कुछ दिन बाद ये नीचे शक्कर जमने लगती है। 10 मिनट हमें घड़ी देख करके ही इसको उबालना है, ताकि ये ओवर कुक होके कड़क ना हो जाए, क्योंकि अगर ये कड़क हो गया, ओवर कुक हो गया, तो जब हम शरबत रखते हैं तो ठंडा होने के बाद नीचे शक्कर जमने लगती है। तो वो इसी वजह से होता है कि ओवर कुक हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो इसलिए घड़ी से टाइम सेट करके ही आप 10 मिनट देखें। और उसके अलावा आप हाथ को इस तरीके से हाथों में लेकर के चिपचिपापन अगर महसूस होने लगेगा, शहद जैसा चिपचिपापन, इतना हमें इसको पकाना है। और देखिए कलर आप डार्क लाइट अपने हिसाब से रखें, लेकिन मेरे कहने से आप थोड़ा डार्क ही रखेंगे, ताकि फलूदा वगैरह भी जब हम बनाते हैं तो उस पर डार्क कलर अच्छा लगता है, रेड। तो अब ये होने आया है हमारे, तो 10 मिनट हो गए। और अब इसमें हम 1/4 टीस्पून हम टाटरी डालेंगे, ताकि क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो और हमारी शक्कर ना जमे शरबत में। और अब हम गैस बंद कर देते हैं। सब काम हमें कम आंच पर करना है। देखिए साइट्रिक एसिड डाला है हमने, तो उसके बाद देखिए कलर में थोड़ी सी चमक आ जाती है, देखिए शाइनिंग हो रही है। और अब इसको हम कम्प्लीटली ठंडा करेंगे। पूरा ठंडा होना जरूरी है ताकि हम आगे का प्रोसेस इसमें कर पाए, तो इसको ठंडा होने देते हैं। तो अब हमारा ये मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है और अब इसे हम छानेंगे। छानने के लिए एक सूखा कपड़ा हमने ले लिया है और इस कपड़े पर हम इसको छानेंगे। छलनी रख दी है नीचे। छानने से इलायची का कचरा बाहर आ जाएगा और एक शाइनिंग आ जाएगी हमारे शरबत में। तो इसे हमने छान लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून गुलाब जल डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम गुलाब एसेंस डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक साफ सुथरी कांच की बोतल में भर करके स्टोर कर सकते हैं। साल भर इसके कोई दिक्कत नहीं आएगी, साल भर तक बिल्कुल चल जाएगा ये। आप इससे कोई भी शरबत बनाएं, कोई भी शेक बनाएं, कोई भी कस्टर्ड बनाएं, या फालूदा वगैरह में भी गर्मियों में खूब काम आता है। और घर का बना हुआ बहुत ही हेल्दी है ये। तो देखिए घर का बना हुआ रू अफजा बनकर के तैयार है। इससे आप लस्सी, कोई भी शेक बनाएं, आइसक्रीम बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और आप भी इस गर्मी में इस शरबत को एक बार बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।